Hello and welcome to this edition of One on One. I'm Paranjoy Guha Thakurta in the studio of Lok Sabha Television here in New Delhi and in this episode we're going to look at left-wing extremism in Chhattisgarh. The massacre that took place on the 25th of May that resulted in the deaths of large numbers of people, injuries to large numbers of people including leading leaders of the Congress party like Mahendra Karma. Has highlighted a attention once again what needs to be done to tackle left wing extremism in this part of the country, the southern part of Chhattisgarh, which is almost like the heart of the proverbial red corridor that stretches from the Himalayas to the Bay of Bengal, the proverbial temple of Pashupati to the temple of. The, the part of India which is the richest in terms of mineral resources, where the poorest of the poor live, the Adivasis, the, the, the indigenous peoples, rich in minerals, rich in forests, uh, but where there is extreme poverty and a lot of injustice. To discuss this subject, I'm very happy to welcome to the studio of Lok Sabha Television a person who's worked in Dantewada in Chhattisgarh for 18 long years. Let me welcome Himangshu Kumari. And for the benefit of our viewers and listeners, I should tell them that you've lived in Dandewada uh, for 18 years, and you had set up the Vanvasi Chetna Ashram, uh, which looked at social welfare for the local people over there until uh, May of 2009, when the Chhattisgarh government, headed by Dr. Raman Singh, declared that your ashram was illegal and demolished it. And since then you've been based here in Delhi, you were, uh, for the benefit of the viewers, uh, educated in Kanpur University, in Rajasthan University, have been associated with various social organizations, social welfare organizations. Or may Kamzor Hindi. when you look एट दिस प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये जब चरम वामपंथी का जो समस्या है इसमें इसका मूल पे है कहाँ से शुरू होता है वट वट इज़ द रूट कॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म दैट यू सी देखिए मैं और मेरी पत्नी गांधीवादी बैकग्राउंड से हैं मेरे पिताजी ने उन्नीस सौ के आंदोलन में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन को आग लगाई थी और उसके बाद फरार हो गए थे फिर उनका गांधी जी के आश्रम से पत्र व्यवहार हुआ गांधी जी को उन्होंने पत्र लिखे और गांधी जी ने कहा कि इसको लड़के को बुला लो आश्रम में और फिर मेरे पिताजी आश्रम में चले गए गांधी जी के फिर वो विनोबा के भूदान मोमेंट में चले गए तो हमारा जो बचपन का सारा माहौल है वो गांधीवादी रहा और गांधी जी ने कहा था कि नौजवानों को गांव में जाना चाहिए और गांव में सेवा करनी चाहिए नहीं तो ये लोकतंत्र गुंडों का लोकतंत्र बन जाएगा मेरी पत्नी भी उसी बैकग्राउंड से है उनकी जो दादी जी की बहन थी वो डॉक्टर सुशीला नैयर थी तो उसको भी वही बैकग्राउंड मिला तो हम दोनों संपर्क में आए और हमने तय किया कि हम शादी के बाद गांव में जाकर काम करेंगे और हमको लगा कि कहाँ काम करना चाहिए तो ये जो हम दोनों का इलाका मेरी पत्नी दिल्ली की है मैं मुजफ्फ़रनगर का हूँ मुजफ़्फ़रनगर भी बहुत अमीर ज़िला है वहाँ की पर कैपिटल इनकम हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है तो हमको लगा किसी ऐसी जगह पर जहाँ ज़रूरत हो और हम भूदान मूवमेंट तो एक तरीके से जो हिंसक घटनाएँ उस वक्त हुई थी जिसको पीज एंड भी कहते हैं आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में भूदान मूवमेंट तो वहीं से निकला तो हमको भी लगा कि जहाँ हिंसा हो रही है वहीं जा कर के हम काम करेंगे और ये तय सिद्ध करेंगे कि अहिंसा काम कर सकती है देखिए हिमांशु जी आप जैसे अभी अभी कहा यह छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं कि दक्षिण छत्तीसगढ़ जो बस्तर बस इलाका कहते हैं आज पांच जिला में बांट किया गया एक समय एक ही जिला था यहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ के जो आदिवासी लोग आज नहीं काफ़ी सालों से काफ़ी दशकों से शोषित है और बाहर के लोग आके उस इलाका का जमीन के नीचे जो खनन करते हैं जो जो समुदाय है वो लेके मुनाफा कमाते हैं जंगल के पेड़ काट के लकड़ी बेच के भी कमाते हैं और वहाँ का लोग गरीबी रह गया तो यहीं से क्या माओवादी शुरू होता है चरम वामपंथी जो है यही तो यही तो दिस इज़ द ओरिजिन दिस इज़ द रूट कॉज ऑफ़ माओइज्म बेशक बेशक uh, माओवाद ना भी शुरू होता तो भी वहाँ एक तरह की शोषण है अन्याय है और उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होना अ, अ, बहुत स्वाभाविक था ये तफाक़ है कि माओवादी वहाँ नक्सलवादी आए और उन्होंने आकर के वो जो बेचैनी और न्याय का माहौल था उसमें उन्होंने इंटरवीन किया माओवादी ना होते तो भी देखिए अगर आप बस्तर इलाका के इतिहास कुछ दशकों से उनका इतिहास में आप हैं देखिए है आदिवासी लोग का ऐसे आंदोलन आप देख रहे हैं जी देखिए है। का राजा महाराजा के खिलाफ था देखिए माओवादी जो वहां नक्सलवादी जो वहां आए वो एज में आए जबकि वहां फॉरेस्ट का गार्ड एक आदिवासी औरत को जंगल से अपने शाम का खाना बनाने के लिए लकड़ी लाने पर पकड़कर यौन शोषण करता था या घर बनाने के लिए एक लकड़ी लाने पर दिन दिन भर ठंडे पानी में एक आदिवासी को खड़ा रखा जाता था सज़ा देने के लिए या पुलिस वाले गांव में आकर के लड़कियों की मांग करते थे और मुर्गे लूटते थे और आदिवासी की शराब पी जाते थे ऐसे माहौल में आदिवासी को ताकत देने का काम भारत के संविधान को करना चाहिए था लेकिन भारत का संविधान वहाँ कहीं नहीं था भारत आज़ाद हुआ हम आज अंग्रेज़ चले गए हमने घोषित कर दिया कि ये सारा इलाका भारत है आदिवासी को पता ही नहीं चला कि मैं भारत में आ गया और हमने कह दिया कि तू भारत में आ गया चौंसठ साल में हम गए नहीं हमने उसको कोई ताकत नहीं दी और हम अचानक एक दिन पहुंच गए बंदूक लेके कि भारत के विकास के लिए हमको तेरी ज़मीन चाहिए और ज़मीन भी कैसे ली मुझे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ दंतेवाड़ा का धुरली और भांसी गांव एसआर कंपनी को वहाँ पर जमीन चाहिए थी अपना स्टील प्लांट के लिए फिफ्थ शेड्यूल कहता है कि ग्राम सभा की अनु अनुमति के बिना आप कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते और पहले कलेक्टर एक नोटिस देगा ग्राम सभा को गांव वाले बैठ कर के डिसाइड करेंगे कि हमको स्टील प्लांट लगाना है अपने गांव में या नहीं लगाना जब गांव वाले मंजूर कर लेंगे तो कलेक्टर साहब फिर जाएंगे दूसरी ग्राम सभा होगी क्या हिमांशु जी आप समझते हैं बिना कारखाना बिना इस्पात का कारखाना बिना उद्योग के बिना हमारे देश में विकास ये सवाल ये लोगों को नौकरी कहाँ ये, ये बहस नहीं है बहस ये है इस्पात का कारखाना बंदूक के दम पर लगेगा या लोगों की सहमति से लगेगा लोकतंत्र बंदूक के दम पर चलेगा या लोगों के साथ बातचीत करके चलेगा बात इसकी नहीं हो रही है कि इस्पात का कारखाना चाहिए या नहीं बात है किस तरीके से लगाया जाएगा मैं तो ये पूछता हूं विकास भलाई देश का की तरक्की ये सब अगर बंदूक के दम पर होना है और ऐसा विकास करना है जिसमें से जिसमें गरीब ही बेजमीन हो जाए गरीब की जमीन छीनते जाओ अमीर को देते जाओ कारखाना लगाने के लिए अमीर उसमें से प्रॉफिट कमाता जाए तो गरीब से छीनते जाओ नहीं देखिए आप जो कह रहे हैं कि अगर आप आम आदमी का वहाँ का आदिवासी लोग का अगर सहमति से आप ये सब करेंगे तो ये समस्या शुरू भी नहीं होता है बेशक बेशक अग, अब अब अगर आप ग्राम सभा का सहमति लेके आप बोलिए आपको ये कारखाना यहाँ आ रहा है आपका ज़मीन आप दीजिए आपको बेटा बेटी को हम कोशिश करेंगे नौकरी देने के लिए यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था आएगा स्वास्थ्य का व्यवस्था आएगा शहर बनेगा तो इसमें कोई आ, किसी का तो इसमें विरोध करने का कोई कारण नहीं रहेगा बेशक बेशक यही हम शुरू से कह रहे हैं लेकिन मैं तो एक चीज़ पूछता हूँ कि ये जो तथाकथित विकास है देखिए अंग्रेज़ों का जो विकास का मॉडल है वो हमने ले लिया है अंग्रेज़ भारत में आए और वो किस चीज़ के दम पर उन्होंने राज किया समझाकर सहमत करके उन्होंने तो फ़ौज के दम पर शासन किया फ़ौज के दम पर सारी दुनिया के रिसोर्सेज पर कब्ज़ा किया वही तरीका हमारा है मैं तो पूछता हूं भारत सरकार से कि आप मुझे एक भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या इंडस्ट्री का उदाहरण दे दीजिए जिसे आपने बिना बंदूक के इस्टेब्लिश किया हो जिसे आप बिना बंदूक के चला सकते हो नहीं ऐसे उदाहरण जरूर होंगे नहीं क्या देखिए उत्तर भारत में आप कह रहे हैं कि भाखरा नांगा का प्रोजेक्ट था और बहुत सारे देखिए अब व... आप बिहार के बात कीजिए झारखंड के बात कीजिए बंगाल की बात कीजिए आप ऐसा क्या कर सकते कि हर कारखाना जो आए हैं हर जो क्या कहते हैं कुछ सिंचाई के व्यवस्था आए हैं ये बिना देखिए हम चलते हैं बंदूक बंदुक आप एक रिसर्च कर लें कि जब वहां के जो डिस, डिस्प्लेसिंग हैं जिनको डिस्प्लेस किया गया विस्थापित किया गया उन लोगों के साथ सरकार ने कैसा बर्ताव किया था पहले शुरू में ये ज़रूर हुआ कि विस्थापन भारत के लिए कोई इशू ही नहीं था लेकिन धीरे धीरे जब हमने देखा कि जो विकास का भ्रम था वो टूट गया हमने ये कहा कि हम आप हमें ज़मीन दे दीजिए विकास के लिए आपको नौकरी मिलेगी लेकिन धीरे धीरे हमने सारी नौकरियों का के लिए ठेकेदार बिठा दिए अब कहीं पर इंडस्ट्री में नौकरी नहीं मिलती परमानेंट अब ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता है भैया तुम हमें मजदूर सप्लाई करो और ठेकेदार क्या करता है तो छत्तीसगढ़ के लोग जमीन देंगे मजदूर लाया जाएगा झारखंड का झारखंड के मजदूर जो जमीन देंगे मजदूर जाएगा छत्तीसगढ़ का और उनको कम मजदूरी दी जाएगी पहले तो यह था समान काम का समान वेतन अभी कोर्ट भी नहीं आ रहा है कोर्ट गरीब आदमी के लिए नहीं आ रहा है कि भैया ये कानून नहीं तोड़ने देंगे हम कोर्ट कह रहा है कि मज़दूर भी खुले बाजार में खड़ा है मालिक भी खुले बाजार में खड़ा है तुमको काम करना है करो जो मालिक दे वो ले लो न, हम बीच में नहीं बोलेंगे देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ भारत सरकार इस देश के गरीब के वोट से बनती है उसको एक नीति जरूर बनानी चाहिए थी कि हम अगर किसी इंडस्ट्रियल हाउस को किसी कॉरपोरेट को भारत के रिसोर्सेज देंगे ज़मीन देंगे तो बदले में भारत सरकार इन्श्योर करेगी कि वो इस देश के नागरिकों को इस अनुपात में काम दे ओके okay. इमांशु जी यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ आपको क्योंकि एक विराम लेने का समय आया है बहुत सारे सवाल हैं आपके साथ क्या एक तरह से हम एक विशेष साइकिल में आ गए कि इसी इलाक़ा में विकास नहीं हो रहे चरम वामपंथी लोग उनका ताकत बढ़ रहे क्यों बढ़ रहे क्योंकि कानून व्यवस्था नहीं है कानून व्यवस्था क्यों नहीं है क्योंकि चरम बाम है तो एक तरह से हम घूम रहे हैं विशेष साइकिल में और भी बहुत बहुत सारे सवाल है ये सलवार जुलूम के बारे में कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ महेंद्र कर्मा के बारे में कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूँ मगर अभी एक विराम लेने का समय है शॉर्ट वाल फ्रॉम नाउ वी आर लुकिंग एट द रूट कॉजेज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन छत्तीसगढ़ विद मी हियर इन द स्टूडियो हिमांशु कुमार हीज ए सोशल एक्टिविस्ट हीज बेस्ड ही Ordinary people in that part of the country. So we'll discuss a number of issues with him. Stay with us, we'll be back with you. Welcome back to our discussion on left-wing extremism in Chhattisgarh. With me here in the studio of Lok Sabha Television, I have Himanshu Kumar. He's a social activist. He was based in Dantewada in southern Chhattisgarh for 18 years. Uh, on the 17th of May 2009, Raman Singh's government uh, decided to demolish his ashram uh, on the ground that it was illegal. It was Ill illegally occupied land. Uh, it was uh, on land uh, that was uh, had been illegally occupied, and he since then been based in the capital here. Himanshu ji, see, these are the issues of development and the legal framework. One has to walk hand in hand with the other. सरकार का कहना है कि यहाँ पे क्यों विकास नहीं हो रहा है अब सड़क क्यों बना नहीं पा रहे हैं अब मोबाइल टावर क्यों नहीं आ रहे आप शिक्षा संस्था क्यों नहीं बन रहे हो शिक्षा संस्था में ब्लैक बोर्ड क्यों नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं है यहाँ अच्छा ऑफिसर आने नहीं चाह रहे और एक तरह से नहीं आ रहे तो स्थिति और भी खराब हो जाता है और वहाँ और ये जो चरम वामपंथी लोगों का जो प्रभाव है वो बढ़ता रहता है एक तरह से हम एक विशेष साइकिल में आज फंसे हुए हैं चक्रव्यूह में हम लोग फंसे हैं आप क्या मेरे साथ सहमत हैं? नहीं मैं सहमत नहीं हूँ आपके साथ मैं आपको दो चीज़ें बहुत आश्चर्य चौंकाने वाली बताऊँगा सरकार जो कहती है कि वो वहाँ स्कूल और स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी जैसे विकास के काम इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि उसको नक्सलवादी करने नहीं दे रहे हैं मैंने इस बारे में सरकार से ही पूछा जब मैं दंतेवाड़ा में काम करता था हमने सूचना के अधिकार के तहत सरकार से पूछा कि नक्सलवादियों ने कितने स्कूल शिक्षकों की हत्या की है सरकार ने कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सॉरी नक्सलियों ने कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हत्या की है नक्सलियों ने कितने शिक्षकों की हत्या की है नक्सलियों ने कितने स्वास्थ्य कर्मचारियों डॉक्टरों की हत्या की है और नक्सलियों ने कितने हैंडपम्प मैकेनिक्स की हत्या की है आपने एक भी उदाहरण नहीं मिला नहीं उन्होंने कहा इनकी हत्या नील है ज़ीरो शून्य निरंक तो हमने कहा कि फिर आप ये बताइए और सरकार ने वहाँ जो सलवा जुड़म चलाया उसमें साढ़े छः सौ गाँव सरकार ने ख़त्म कर दिए जला दिए और उसमें से पचास हजार आदिवासियों को पकड़कर सड़क के किनारे टेम्परेरी शेड्स मिलाकर रख दिया जबरदस्ती बाकी के करीब तीन लाख ट्राइबल्स जंगलों में भाग गए पुलिस से बचने के लिए और सरकार से हमने पूछा कि इन गांवों में अब स्कूल नहीं है आंगनबाड़ी बंद कर दिया आपने सरकार ने की नक्सलियों ने नहीं सरकार ने बंद की जो सरकार कहती है कि नक्सली नहीं स्कूल चलाने देते तो हमने कहा आपने क्यों बंद किए तो उन्होंने कहा नक्सलवादी चलाने नहीं देते तो फिर हमने सरकार से आर में पूछा तो पता चला नक्सलवादियों ने तो कभी बंद नहीं किया वेरी गुड हमने फिर नक्सलवादियों से भी बात की हम वहाँ यूनिसेफ जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था आप, आप आ, उन्होंने आपका ये जो आपका जो वनवासी चेतना आश्रम को मदद किया था आर्थिक मदद और भी कार्यक्रम बिल्कुल हम उनके साथ हमने काम किया तो वहाँ की जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम स्कूल दोबारा शुरू करेंगे क्योंकि सरकार ने स्कूल बंद कर दिए थे और यही बात थी कि नक्सली स्कूल बिल्डिंग उड़ा रहे हैं कुछ स्कूल बिल्डिंग उड़ाई गई थी हमने नक्सलियों से पूछा कि आप स्कूल बिल्डिंग क्यों उड़ाते हैं तो उन्होंने कहा ये गांव वाले बैठे हैं आप इनसे पूछ लीजिए कि स्कूल बिल्डिंग किसने उड़ाई है गांव वालों ने कहा हमने उड़ाई है हमने कहा भाई क्यों उड़ाई तो उन्होंने कहा इसमें सीआरपीएफ आती है सीआरपीएफ रुकती है हमारी औरतों को परेशान करती है हमारी फसल जलाती है हमारे बच्चों को पीटती है उनको जेल में डालती है हम नहीं चाहते सी हमारे गाँव में आए हमारे गाँव में एक ही पक्की बिल्डिंग थी जिसमें सीआरपीएफ आ सकती थी बाकी तो हमारे झोंपड़े हैं हिमांशु जी आप जैसे बात कर रहे हैं कि हर सीआरपीएफ में हर व्यक्ति ऐसे नहीं मैं जरा ये बात पूरी कर ठीक है आप पूरी कीजिए। तो हमने नक्सलाइटों से कहा कि हम स्कूल को जोन ऑफ पीस बनाना चाहते हैं स्कूल में आप एक किलोमीटर दूर रहेंगे हम सरकार से भी सहमत कर लेंगे सरकार को सरकार भी एक किलोमीटर दूर रहेगी स्कूल को सिक्योरिटी फोर्सेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेंगी आप भी स्कूल में नहीं जाएंगे तो उन्होंने एग्रीड आप सरकार को सहमत कर लीजिए कि टीचर रोज आएगा बच्चों को पढ़ाएगा उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं आएंगी अच्छा हमने नक्सली तैयार हो गए सरकार आज तक तैयार नहीं है सिक्योरिटी ने डेवलपमेंट जो, जो, मंत्री है, है, वो साफ है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ स्कूल बिल्डिंग में नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है ऐसा स्कूल बिल्डिंग में है मगर मेरा कहना है दो, दो, दो सवाल आपसे एक साथ में कर रहा हूँ पहला बात यह की देखिये आपका क्या है कि हर सी का जो जो फोर्स है वो यही करते हैं लूट करते हैं बलात्कार करते हैं को, लोगों को मारते हैं अब आप, आपको कहना है कि सीआरपीएफ में सब लोग क्या अपराधी हैं गुंडे हैं एक मिनट और, और दूसरा बात है अगर सीआरपीएफ नहीं रहेंगे तो आपका ये जो माओवादी है जिसके हाथ में बंदूक है कौन रोकेंगे इनको आ, मेरे बड़े भाई भी सी में है इसलिए मैं ये तो नहीं कहता कि सारे लोग सी में ख़राब है लेकिन एक फोर्सेस का जो एक जनरल एटीट्यूड जो एक आ, आम बर्ताव वहाँ की कॉमन पीपल के साथ है वो एक नॉर्म बन जाता है जब कि जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगी वो देखते ही गांव में लोग उनको भागते हैं वो आएंगी फसलें जलाएंगी अगर आपने दो बार फसल जला दी तो जब आप तीसरी बार जाएंगे तो लोगों को लगेगा आप फसल जलाने आए हैं भले ही आप उस दिन दवाई बांटने जा रहे हो लेकिन आपने एक बार अपना इमेज खराब कर लिया है अब आप में आधे लोग अच्छे हैं या सेवेंटी परसेंट अच्छे हैं थर्टी परसेंट खराब एक बार छवि खराब हो जाता है फिर वो छवि को ठीक होने का कोई संभावना नहीं आप जानते हैं कि एक बार आपने आदिवासी गांव में गए आप सलवा जुड़ूम के साथ गए थे उस वक्त एस ने लड़कियों से रेप किए हैं घर जला दिए हैं फसलें जला दी हैं अब आप जब तक आदिवासी को ये विश्वास नहीं दिला सकते कि अब आप बदल गए हैं अब आप भले आदमी बन गए हैं तब तक कैसे वो आपका विश्वास करे और ऐसा भी नहीं है कि बंद हो गया है अभी पिछले हफ्ते तक आपने जाकर सीआरपीएफ ने जाकर नौ आदिवासियों को मार डाला मैं तो कहता हूं आपकी इमेज खराब करने के लिए एक भी आदमी को अगर आप निर्दोष को मारते हैं तो आपकी इमेज पूरे कम्युनिटी में खराब सवाल का जवाब नहीं दे रहे कौन सा ये चरम वामपंथी लोग जो है जो सरकार को सरकार के खिलाफ वो अहिंसा में विश्वास नहीं करते हैं आप रोकेंगे कैसे इनको आप आप इनको क्या सिर्फ आप कहेंगे आइए भाईचारा और आप बस आइए आपके साथ हम बातचीत करेंगे और सारे समाधान खत्म हो जाएंगे इनके हाथ में बंदूक है ये बंदूक कहाँ से आए शायद आपको मालूम है मुझे मालूम नहीं मगर लोगों को ये तो आ, आ जाता है हमारे देश में तो आप इनके खिलाफ और कोई रास्ता है बंदूक के खिलाफ मैं तो गोली के खिलाफ तो जैसे पुलिस का भाषा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सी के भाषा तो गोली आप चलाएंगे आप क्या चुपचाप बैठे रहेंगे मैं बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं पॉलिटिकल बायस्ड होकर नहीं बोल रहा हूँ मैं साइंस की बात कर रहा हूँ विज्ञान ये कहता है कि आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी अगर आप जाकर आदिवासियों के साथ ये करेंगे आदिवासी बचने के लिए कहाँ जाएगा देखिए मैं एक आदिवासी हूँ या आप समझ लीजिए आप एक आदिवासी हैं गांव में रह रहे हैं आपको कोई परेशान करेगा आप सरकार के पास जाएंगे बचने के लिए अगर सरकार आपको न्याय सर, नहीं देगी सरकार मारेगी आपके ऊपर सरकार हमला करेगी तो आप के पास तो कहां जाएंगे मैं, के पास मैं तो आपसे बहुत सीधी बात पूछ रहा हूं और हमने तो देखिए सरकार की मदद ही की हम और क्या कह रहे हैं सरकार से आप जो मुझसे पूछ रहे हैं सीधा सीधा समझ लीजिए हम तो माओवादियों के खिलाफ ही समझा रहे थे सरकार को हम कहा कह रहे थे कि तुम क्या करो कि माओवादी बढ़ जाएं हम तो कह रहे थे तुम ऐसा करो कि माओवादी ना बढ़े हम कह रहे थे अन्याय मत करो तो माओवादी नहीं बढ़ेंगे भाई लोगों के ऊपर अन्याय करोगे तो लोग माओवादियों की तरफ चले जाएंगे माओवादी बढ़ जाएंगे ये जो स्थिति आ जाए हैं अच्छे सरकार के ऑफिसर आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो डरते हैं कि हमारा जैसे हुई है बहुत सारे उदाहरण है वो अब किसी को अपहरण कर दिया इन्होंने तो ये अगर स्थिति होंगे तो अगर अच्छे ऑफिसर नहीं आएंगे जो जो सीधा रास्ते में चले अच्छे पुलिस के अधिकारी नहीं आएंगे तो आपका यहाँ पे कानून व्यवस्था का क्या होगा विकास कैसे आप चीजों को ना कंटेक्सट से अगर काट कर कहेंगे या कंटेक्सट से काट कर देखेंगे तो आपको गलत नतीजे मिलेंगे आप एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण की बात कर रहे हैं मैं आपको उसी के बताता हूँ एलेक्स पॉल मैनन जब नक्सलियों के आ, हिरासत से छूट कर आए हैं तो उन्होंने क्या किया क्या क्या कहा उन्होंने कहा कि मुझे जंगल में जो नक्सली मिले थे उसमें सेवेंटी परसेंट वो लोग थे जो सलवा जुड़ुम के जुल्मों की वजह से नक्सलियों के साथ जुड़े हैं आपको मालूम है एलेक्स पॉल मैनन ने कहा मिनिस्टर्स के साथ जो मीटिंग हुई आई एस लोगों के साथ जो मीटिंग हुई उसमें इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है यानी थर्टी परसेंट ही थे माओवादी तो सेवेंटी परसेंट ट्राइबल्स थे जो हमारे जुल्मों की वजह से उधर गए मैं यही तो कह रहा था कि आप लोगों पर हमला मत करो इससे तो लोग नक्सलियों के साथ जुड़ जाएंगे और ये तो फैक्ट है पुलिस के रिकॉर्ड उठा लीजिए सलवा जुड़ुम से पहले नक्सलियों की संख्या कितनी थी और सलवा जुड़ुम के बाद कितनी बढ़ गई है तो आपके जुल्मों से नक्सलवाद बढ़ेगा हम कह रहे हैं जुल्म मत करो आप करो आप आप समाधान लोगों का दिल जीतो लोगों को रिलीफ दो लोग आपकी तरफ आ जाए देखिए सरकार देखिए देखिए सरकार के अधिकारी का कहना यह है कि जो नक्सली है वो विकास नहीं चाहते हैं जानबूझ के नहीं चाहते अगर विकास वहां पे वहाँ पे सड़क अगर बन जाता है लोगों को बिजली मिल जाता है वहाँ स्कूल ठीक चला से स्वास्थ्य केंद्र ठीक ठीक तरह से चलते हैं तो वो जिस कारण के लिए लड़ रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ वो कारण ही खत्म हो जाएगा तो वो क्यों क्यों चाहेंगे परवंजय जी मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि माओवादियों ने कभी स्कूल स्वास्थ्य केंद्र वग़ैरह रोकने की कोशिश नहीं की आरटीआई से सरकार बताती है कि माओवादियों ने कभी स्वास्थ्य केंद्र और ये चलाने के लिए कभी किसी कार्यकर्ता को मारा नहीं कभी किसी स्कूल स्वास्थ्य की या स्कूल की बिल्डिंग को उड़ाया नहीं वो जब सिक्योरिटी फोर्सेस यूज़ करती हैं और सलवा जुड़ुम में जाकर के जिस तरह से इन सिक्योरिटी ने जनता पर हमला किया जनता कोई अड्डा नहीं बचाना चाहती सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो चाहते हैं कि यहाँ हमारे गांव में कोई अड्डा ना बने उनका एक चीज तो ये दूसरा आ, मैं आप जरा एक बार अपने सवाल को फिर से दोहराइए मैं, मैं, मेरा जो सवाल था कि अच्छे ऑफिसर यहाँ पे नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे जो माओवादी है वो नहीं चाह रहे विकास अगर विकास हो गया इसी इलाका हाँ, मुझे याद आ गया मैं क्योंकि हाँ मैं या, मुझे याद है या। उन, उन उसका वो जो लड़ाई लड़ रहा है जो हथियार के साथ जो लड़ाई लड़ रहा है हाँ, वो कारण ही ख़त्म हो जाएगा हाँ, अगर विकास आ जाता है बिल्कुल अगर सड़क बन जाता है हाँ, अगर स्कूल ठीक चला चलता है यही मेरा कह रहा है जी मैंने आ, मैं वहाँ पर विकास के ही कामों में लगा था और सरकार के विकास के कार्यक्रम लागू कर रहा था नरेगा की मोनिटरिंग हो आंगनबाड़ी की मोनिटरिंग हो और हम महिलाओं के साथ काम कर रहे थे कि ग्राम सभा कैसे मजबूत हो लोग वोट डालें और ग्राम सभा में बैठकर तय करें कि स्कूल ठीक से चल रहा है कि नहीं आंगनबाड़ी नरेगा ठीक से चल रहा है कि नहीं तो कुछ जगह ये शिकायत था कि ये कार्यक्रम बंद पड़े हैं और यह भी शिकायत था कि माओवादियों के डर से बंद पड़े हैं तो हमने वहाँ पर यह कार्यक्रम शुरू किए और फिर हमने बात की माओवादियों से भी बात की हमने कहा देखिए लोगों को अगर ये ये लाभ नहीं मिले तो लोग परेशान हो करके आपका साथ छोड़ देंगे तो एक बार हमारे कार्यकर्ताओं को माओवादी पकड़ कर ले गए जंगल में और उसके बाद दो दिन बाद उन्होंने छोड़ा और उनको ये कहकर भेजा कि आप कहिए कि हम किसी भी विकास कार्यक्रम के ख़िलाफ़ नहीं हैं अच्छा और सरकार के विकास कार्यक्रम आपकी संस्था लागू करें मैंने तुरंत जो कलेक्टर साहब थे उनको कहा मैं नाम बता सकता हूँ उनका आर प्रसन्ना साहब थे बीजापुर के कलेक्टर मैं उनसे कहा और हमने पूछा कि आप बिजली के खंबे लगाने देंगे उन्होंने हाँ? कहा आप लोगों को समर्थन करते हैं उनका से मैं से। मैं एनालाइज कर रहा हूं चीज़ों को और अगर मैं ऑनेस्टली एनालाइज नहीं करूंगा तो मैं गलत नतीजे पर पहुंच जाऊंगा अच्छा हिमांशु जी मैं आपको रोक रहा हूं एक और विराम का समय आ गया है मैं आधा से ज्यादा समय बीत गया हमारे जो कॉन्वर्सेशन जो साक्षात्कार में तो मैं एक विराम के बाद आपके पास वापस आ रहा हूँ ये बहुत सारे सवाल और है ये सलवा जुदम और महेंद्र कर्मा ये सारे विषय के ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूँ और हम आगे कैसे बढ़ेंगे सम, स, ये सारी समस्या हम जानते हैं तो समस्या का समाधान का संभावना है कि नहीं ये सारे सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं वी विल बैक विथ यू इन अ शॉर्ट वायर फ्रॉम नाउ वी आर वी आर लुकिंग एट दिस डीप ऑलमोस्ट इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यू नो अ प्रॉब्लम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोर देन वंस हैज डिस्क्राइब्ड एज इंडिया बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम सो लेट्स डिस्कस दिस Problem in greater depth. I have with me here in the studio of Lok Sabha Television Himangshu Kumar. He's a social activist. He's worked in Dantewada for 18 years. We'll be back with you. Stay with us.